ओम शांति। 9th January 75 अव्यक्त वाणी। इंतजार की बजाय इंतजाम करो। अपने सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणकारी संकल्प से सतयुगी पावन सृष्टि का सृजन करने वाले सृजनहार शिव बाबा बोले। निराकारी, आकारी और साकारी, इन तीनों स्टेजेस को समान बनाया है। जितना साकारी रूप में स्थित होना सहज अनुभव करते हो, उतना ही आकारी स्वरूप अर्थात अपनी संपूर्ण स्टेज व अपनी अनादि स्वरूप निराकारी स्टेज में स्थित होना सहज अनुभव होता है। साकारी स्वरूप आदि स्वरूप है, निराकारी अनादि स्वरूप है। तो आदि स्वरूप सहज लगता है या अनादि स्वरूप में स्थित होना सहज लगता है? वह अविनाशी स्वरूप है और साकारी स्वरूप परिवर्तन होने वाला स्वरूप है। तो सहज कौन सा होना चाहिए? साकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है या निराकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है या स्मृति लानी पड़ती है? मैं जो हूँ जैसा हूँ उसको स्मृति लाने की क्या आवश्यकता है? अभी तक भी स्मृति स्वरूप नहीं बने हो। क्या यह अंतिम स्टेज है या बहुत समय के अभ्यासी ही अंत में इस स्टेज को प्राप्त कर पास विद ऑनर बन सकेंगे? वर्तमान समय पुरुषार्थियों के मन में यह संकल्प उठना कि अंत में विजयी बनेंगे व अंत में निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनेंगे, यह संकल्प ही रॉयल रूप का अलबेलापन है अर्थात रॉयल माया है। यह संपूर्ण बनने में विघ्न डालता है। यही अलबेलापन सफलता मुहूर्त और समान मुहूर्त बनने नहीं देता है। दूसरा संकल्प, विनाश की घड़ियों की गिनती करते रहते हो ना, सोचते रहते हो कि क्या होगा, कैसे होगा या होगा कि नहीं होगा। यह सीधा स्वरूप नहीं है, यह है सीधा संशय का रूप। इसलिए सीधा शब्द न बोल, रॉयल शब्द बोलते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, इस स्वरूप से सोचते हो। जितना समय समीप आ रहा है उतना स्वयं को सतयुग के देवी देवताओं की विशेषताओं के समीप बना रहे हो। विनाश किसके लिए होगा, किनके लिए होगा, यह जानते हो? तीव्र पुरुषार्थियों व संपूर्ण बनने वाली आत्माओं के लिए संपूर्ण सृष्टि व सतोप्रधान प्रकृति की प्रालब्ध भोगने के लिए विनाश होना है। तो विनाश की घड़ियां गिनती करते रहना चाहिए या स्वयं को संपूर्ण सतोप्रधान बनाने के लिए बाप समान क्वालिफिकेशन को बार बार गिनती करना चाहिए? विनाश की घड़ियों का इंतजार करने की बजाय तो स्वयं को अभी से संपन्न बनाने और बाप समान बनाने के इंतजाम में रहना चाहिए। परंतु इंतजार में ज्यादा रहते हो। प्रारब्ध भोगने वाले ही इस इंतजार में रहते हैं, तो अन्य आत्माएं जो साधारण प्रारब्ध पाने वाली है उन तक भी सूक्ष्म संकल्प पहुंचाते हो। रिजल्ट में मेजॉरिटी आत्माएं यही शब्द बोलती है कि जब विनाश होगा तब देख लेंगे, जब प्रैक्टिकल प्रभाव देखेंगे तब हम भी पुरुषार्थ कर लेंगे। क्या होगा,
कैसा होगा यह किसको पता। यह वाइब्रेशन निमित्त बनी हुई आत्माओं का औरों के प्रति भी कमजोर बनाने का व भाग्यहीन बनाने का कारण बन जाता है। इस समय आप सबकी जगत माता और जगत पिता की व मास्टर रचयिता की स्टेज है, तो रचयिता के हर संकल्प अथवा वृत्ति के वाइब्रेशंस रचना में स्वत ही आ जाते हैं। इसलिए वर्तमान समय जो कर्म हम करेंगे हमको देख सब करेंगे। सिर्फ यह अटेंशन नहीं रखना है, लेकिन साथ साथ जो मैं संकल्प करूंगी जैसी मेरी वृत्ति होगी वैसे वायुमंडल में व अन्य आत्माओं में वाइब्रेशंस फैलेंगे। यह स्लोगन भी स्मृति में रखना आवश्यक है, वरना आप रचयिता की रचना कमजोर अर्थात कम पद पाने वाली बन जाएगी। रचयिता की कमी रचना में भी स्पष्ट दिखाई देगी, इसलिए अपने कमजोर संकल्पों को भी असमर्थ बनाओ। यह जो कहावत है कि संकल्प से सृष्टि रची, यह इस समय की बात है। जैसा संकल्प वैसी अपनी रचना रचने के निमित्त बनेंगे, इसलिए हर एक स्टार में अलग अलग दुनिया का गायन करते हैं। स्वयं का आधार अनेक आत्माओं के प्रति स्मृति में रखते हुए चलते हो या यह बाप दादा का काम है, आपका काम है या बाप का काम है, प्रारब्ध पाने वालों का पुरुषार्थ करना है या बाप को, जैसे लेने में कुछ भी कमी नहीं करना चाहते हो या लेने के समय स्वयं को किसी से भी कम नहीं समझते हो, बल्कि यही सोचते हो कि मेरा भी अधिकार है, वैसे ही हर बात को करने में अपने को अधिकारी समझते हो, या करने के समय तो यह समझते हो कि हम छोटे हैं, यह बड़ों का काम है, और लेने के समय यह सोचते हो कि हम छोटे भी कम नहीं है, छोटों को भी सब अधिकार होने चाहिए, छोटों को भी बड़ा समझना चाहिए व बनना चाहिए। जो करेंगे वह पाएंगे या जो सोचेंगे वह पाएंगे। नियम क्या है? सोचना, बोलना और करना, ये तीनों एक समान बनाओ। सोचना और बोलना बहुत ऊंचा, करना कुछ भी नहीं, तो वे सोचते और बोलते ही समय बिता देंगे और करने से जो पाना है वह वे पा नहीं सकेंगे। स्वयं को तो श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित करेंगे ही, अपनी रचना को भी वंचित करेंगे। इसलिए कहना कम और करना ज्यादा है। मेहनत करके पाएंगे यह लक्ष्य सदा याद रखो। मुझे भी महारथी व सर्विसेबल समझा जाए, मुझे भी अधिकार दिया जाए, स्नेह व सहयोग दिया जाए, यह मांगने की चीज नहीं। श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ संकल्प की सिद्धि रूप में यह सब बातें स्वत ही प्राप्त होती है। इसलिए इन साधारण संकल्पों में या व्यर्थ संकल्पों में भी समय व्यर्थ न गवाओ। समझा? ऐसे बाप समान गुण और कर्म करने वाले, हर संकल्प में जिम्मेदारी समझने वाले, संकल्प में भी अलबेलापन को मिटाने वाले, सदा बाप समान बाप के साथी बन साथ निभाने वाले, हर पार्ट को साक्षी हो बजाने वाले, सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार
और नमस्ते। ओम शांति।